दोस्तों 12 साल की उम्र में पर्दे पर आई थी रीता बहादुरी। 50 सालों में एक ऐसे रोल बनाए हैं। जानी मानी अभिनेत्री रीता बहादुरी इस दुनिया में अब नहीं रही दोस्तों। किडनी की बीमारी के चलते 2 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। लगभग 50 सालों तक फिल्मी पर्दे पर जमी रही बहादुरी ने 12 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। रीता ने बॉलीवुड के बड़े पर्दे से लेकर टीवी की दुनिया में अपनी अलग सा छाप बनाई थी। रीता बहादुरी इन दिनों स्टार भारत पर प्रसारित होने वाले शो निमकी मुखिया में दादी माँ इमरती देवी के किरदार निभा रही थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1968 की फिल्म तेरी तलाश में से की थी। इसके बाद उन्होंने 6 साल बाद यानी 18 साल की उम्र में फिल्म कन्याकुमारी में अभिनय किया था। रीता बहादुरी ने एक के बढ़कर एक रोल फिल्मों और सीरियल में निभाए हैं। इतने लंबे सफर में उन्होंने अपने किरदारों से सभी के दिल को छुआ। इस मौके पर एक यूजर ने कमेंट किया कि रीता बहादुरी की आत्मा को भगवान शांति दे, रीता एक बेहतरीन एक्ट्रेस थे। एक और यूजर ने लिखा, दिल जले फिल्म में निभाया गया आपका किरदार हमेशा याद रहेगा, आप बेहतरीन अदाकारा थी, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों सच में रीता बहादुरी ने बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस थी। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रोल प्ले किया है, बहुत इंस्पिरेशन वाले किरदार भी निभाया है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि उनके आत्मा को शांति मिले, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, वो जहाँ कहाँ भी रहो हमारे साथ रहे।